ਸਾਨੂੰ ਨੂਣੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਬਗੈਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਥਰੂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕਮਬਖਤੋਂ ਸੇ ਇਨ ਚੋਰੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਜਾਨ ਛੁੜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ तेरा पार्टी का असर लिया ने सियासत के बारे में तो मैं यही कहूंगा तहरीके लबैक को चांस मिलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई। पीटीआई क्या वजह है? हमारा जान है। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं नडर न्यूज। नाज़रीन, आज हम शाहदरा के मशहूर तरीन मंडाला बाजार में मौजूद है। यहाँ पर हम एक पोलिटिकल सर्वे कर रहे हैं ताकि लोगों से उनकी राय जान सकें कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे इस मरतबा कि नू लीग को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको तो मुल्की सूरत हाल के और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में आप सब तो जानते ही हैं और क्या बहस मुबासा हो रहा है, तो अब हम इस बाज़ार में आवाम की राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो आइए बाज़ार में चलते हैं और लोगों से उनका नैटिव मालूम करते हैं कि वो पॉलिटिकल और सियासत के बारे में नू लीग को सपोर्ट करना पसंद करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सियासत के बारे में तो मैं यही कहूँगा तहरीके लबैक को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ को भी हमने देख लिया, पीपल्स पार्टी को भी देख लिया और इमरान खान सबके सामने हैं और बेहतरीन जो है चॉइस वो तहरीके लबैक को मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि तहरीके लबैक वाकई ही काम कर पाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो दीन के मामले में और जो है अवाम के मामले में काफ़ी संजीदा है। बहुत शुक्रिया। अभी भी महंगाई मार्च वो आपके सामने है, पूरा अमन तरीके से वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना है, ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत कि वो इन लोगों से अच्छा काम करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई। पीटीआई क्या वजह है? हमारा जान है। आपकी जान है, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि उसने कुछ करके नहीं दिखाया। क्या नहीं करके दिखाया? सारे चोरों को इकट्ठा करके अभी बंद कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं करके दिखाया। उसने कहा जी नूली कहती है कि जी उसने 3.5 साल में टाइम ही जाया किया, कुछ किया ही नहीं। टाइम जाया किया, इलेक्शन करके दिखाओ। ये कैसा काम जो उसने आपको लगता हो कि इमरान खान ने अच्छा किया हो? इमरान खान ने सारे काम अच्छा किया, कोई भी काम बुरा नहीं किया। कोई एक? कोई भी बुरा नहीं किया, सारे काम अच्छा है। नौजवान प्रोग्राम, सारे काम उसके अच्छे हैं। नौजवान प्रोग्राम, उसके अलावा डैम शुरू करवा दिए, उसके अलावा जो है उसने कराची भी बनाया, उसने 3 बन गए शौकत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान में इस वक्त हमारी बहुत प्यारी बहन मौजूद है, वो भी अपना एक पॉइंट देना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के थ्रू आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मैसेज देना चाहती हूं कि इन कमबख्तों से इन चोरों से हमारी जान छुड़ाएं या फिर हमें एटम बम मारें पूरी आवाम को फना कर दें, बस ये मेरे दो पैगाम हैं। आप इतनी दिल बर्दाश्ता क्यों हुई? तो बस ये इन चोरों की वजह से, इन चोरों की जो हमारे खून पी गए हमारा। इन चोरों से? ये जो चोर है नवाज शरीफ जरदारी, सारे ये 14 चोर डाकू इकट्ठे हुए पड़े सारे। बहुत शुक्रिया। ना सानू नूनी दा वास्ता है ना इमरान खान वास्ता, वास्ता है इमरान खान, उन्हें डाका नहीं मारिया ये बगैर दे बच्चे दे नाल इन्ना वड्डा डाका मारिया, लुट के बाहर लै जांदे ने, जो भी आउंदे ने भज के बाहर जा पैंदे ने, जेरे अल्लाह शिवाज दे रिहा पंजाब दा नस के बाहर चला गया। इन्हें मुल्क दा की नहीं कीता, इहदा खाना खराब करता मुल्क दा पड़ के इन्होंने। नू लीग ने पार्टियां? हाँ जी, तेरा पार्टी कदे असर लियां ने? वह कला बंदा इत्थे पाकिस्तान च बैठा है आंदा मैनू मार दिओ जानू मार दिओ, ये की करदे ने मुल्क दा, की मुल्क दे पले रहन दित्ता इन्होंने, ये बगैरत ने सारे। वो तो कहते जी इमरान खान दहशत गर्द है। कितने दहशत गर्द है? किन्ने क्या तू कह अपनी ईमानदारी ना, पांच वगे नमाज पढ़ना दस दहशत गर्द है? जो पाकिस्तान दहशत गर्द हो जो डाका मार के बाहर गया है, हकीकत की गल करिया करो ना, असूल की गल। जिसे जिसे 3 साल जंग लड़ी है, 2.5 साल तक कोरोना लड़िया, फिर उन्हें इंडस्ट्री लाई मुल्क, हर चीज मुल्क की लिया, 16 अरब डॉलर खजाने से जो लाया गया, हूँ फैक्ट्रियां बंद होंगे, हर चीज बंद होंगी मुल्क की, इन्हें की किया जो होंगे वो तो कहते हैं कि जी महंगाई यही लेके आया, कर्जे इसने बहुत ज्यादा ले लिया। उन्होंने कहा करो करांट चुके वजू करके ना टीवी से आके बयान दे दें, साढ़ा जरनैल दे दे ये दे दें बयान, किने लुटिया मुल्क को? लुटिया इन्होंने बरतानिया कि महल ने, इमरान खान ने, इमरान खान की दौलती पाकिस्तान के जी हैगी,
ये भी करना जो कैंसर अस्पताल के नालों ने अपनी घर भी लाता है सारी जायदाद अपने नाल आती मेरे मन ये भी करना करते तो कहते हैं जी नवाज शरीफ ने गिफ्ट किया था वो जमीन गवर्नमेंट ने अपनी जेब चुकी है उनका हम कौम ने शोर आ गया नवाज शरीफ सुना उधरा हूँ कौम को अकल आ गई है अकल दे दी गई है हर बंदे पता लग गया की साडा कर देने पे साडे ना 70 साल तो मुल्क चल की हो रहा है हर बंदा नसदा पिया है बाहर के मुल्क मैं अपने बच्चों को दिया दुकान बेच के कहना बाहर चला जाए मुल्क से पले कोई नहीं सारे वेले पे घर चले जाने की कर देने पे हालात कौम के इन्होंने इंसान के बच्चे बनो मुल्क को चलाओ इसका मतलब आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे भाई सपोर्ट किन करनी है मैं तो इन्होंने दी है डाकू खुदा के बंदे सू अकल नहीं है कि करना सा सानू असा नहीं पता साड़ियां नसलों को किस तरह पलदियां नसल पलना जी इन्होंने पैसे देने ने सड़क बना के सू सड़क सड़क बनाइया ने है जिम्मे लाहौरी कैसे सड़क बनाइया ने डैम बनाते अच तो 25 साल पहले डैम शुरू कराते जनाब उन्होंने तो मेट्रो बनाई है ऑरेंज ट्रेन बनाई है इतना कुछ बनाया इतना काम किया उन्होंने हर चीज उन्होंने अपनी बेची डैम बनाने जरूरी है कि नहीं मुशरफ आया डैम के पैसे मिश्री पाकिस्तान के खजाने भी लई उत्थे मिश्री की गल गई इंडिया की इसराइल की एजेंसियां पैसे देंदियां ने एक घर पैसा लैके चले जाते खजाने भी पैसा उत्थे गल जाता है नवाज शरीफ क्यों नहीं सोचा डैम बनने बहुत इमरान खान जिहड़े बाहर दी ताकतां अखां अखां पा के वेखिया डैम शुरू कराते ने इन्हें क्यों नहीं शुरू कराए ये सानू सड़कां तोड़ना है ना सर सड़कां तुरिया दी ना काम बनना इंडस्ट्री चलनी चाहिए मुल्क इंडस्ट्री आए बाहरों लोग हुण 8 लाख बच्चा क्यों बाहर चला गया मैं कसम खाना मैं परसों चौदह अपने बच्चों को कह रहे बाहर निकल जाओ पाकिस्तान जाए कुछ नहीं जिन्ना पैसा लगता लाओ तो बाहर निकल जाओ है जी हालात इन्ना को मुल्क का हालात टैट कर दिते ने कि इन्होंने पल्ले कुछ छड़िया जिहड़ा हजार वाला बेचारा रोंदा पिया किराए का मकान है की करेगा खा सकता हजार रुपए ना असीं तो चलो हफ्ते बाद चिकन खा लेंगे चिकन नहीं खा अंडा नहीं खा सकते इन्होंने शर्म हजार चाहिए वो साढ़े मौलाना साहब साडा जिहड़ा क्रेन वाला मौलवी साहब डीजल मौलवी सुनाओ ना वो की चीज है और जो सड़क निकलिया फ्रांस के की खाके छापे ने तो जो सुभाष ने जफी पाई तो फिर मर गया फिर नहीं सू चाहिए सड़क का आंदा ये सारे खान खाते ने सूर खाते हैं पै मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं लुट के लई जाते सारा बाहर ले जाते हैं कसूर किसका नवाज शरीफ खानदान जरदारी खानदान का है जी ये सारे पता ही इन्ने थोड़े हैं असी तो असूल की गल करा ना सारे ही चलो जो जिंदगी गुजारती सारी नस्ल की करनी है 2015 इलेक्शन कराते क्यों बाहर नशे फिर फट फट के इमरान है बंदे दर्दी बुढ़िया लेकिन तमाम जितने भी लोग हैं सीनियर पॉलिटिक्स में वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपना रास्ता साफ कर लिया किन्ने आशिफ ने साफ करता वोटिंग के लिए उठ के आ जाए उनका आ रहे पाकिस्तान क्यों नहीं आता पाया जो पूरा रस्ता साफ होना फिर आना है कुत्ते वाली हो रही जो पाकिस्तान में क्या होगा उसका जो जज है उसने आना है ना कि आना है जो पहले असेंबली च बैठा सी उन्हें आना फिर भाई साहब ने पाकिस्तान च आना है कि मेरे केस बड़ी हो जाने पहले क्यों नहीं आता पाया आन के मुकाबला करे वो की प्लेटा टेक दी साड़ियाँ प्लेटा जिंदगी पहली बार पता प्लेटा भी होंगे ने टेक जो जहाज बैठा उदों गूर खाता ही पाया है उदों का इलाज नहीं होया ना पाकिस्तान च आता पाया बंदे खुदा दे मुल्क नूं बख्श दिओ कौन माफ कर दे बस इन्ना ही सवाल साडा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माफ कर देने इस कौम नूं यकीन करो लोगों को रोटी नहीं जाएगी तुसीं आप अपनी इमानदारी दसो हजार वाले वाला की करदा हैगा घर का किराया देगा की करेगा दाड़ेदार जिहड़े 800-800 रुपए की दिहाड़ी लांदे 12-12 घंटे चुभदा क्यों है वी सीधा 17 लै गया तां तां चुभदा पिया लेकिन पीटीआई की तो तमाम सीटों के जितने भी एमएनए चले गए उन्हें क्या था इलेक्शन च फेरी ना जिन्ने तोड़ने तोड़ना लेकिन इलेक्शन जाओ ना लोटे ये कुर्सी देख रहा नहीं कुर्सी भी इलेक्शन में गिरी हम इसको भी वोट देंगे पीटीआई की इमरान खान की वजह से वो तो लोटे थे उनका भी किसान गया है ये पता जी बरार हक के घर जाके पुलिस वाले बड़े ने ओदी बीवी नु क्या गया तेनू नंगिया कर देंगे तेरी वीडियो बना लेंगे तेरा ये करेंगे वो करेंगे बंदे अपने सद उन्हें मैं उन्होंने मैं मौका दियो जो मौका दिता उन्हें फोन किया अपने बंदों ने मेरा कह रहे उन्होंने मैं आ रहा जेड़ा बयान लेना मेरे को लेना वो धोंदा सी पिया मैं दसो धियां ना अज तक किस तरह होया कभी ज्या दौर जालम दौर थी उदो भी धियां भैन ने इस तरह जिस तरह बगैरती हूँ करते हैं पे है इन्होंने इंसानियत चाहिए इंसानियत थोड़ी जी इन्होंने कौम पागल करता फट के कोई वेखो ना मीडिया का भी किरदार होना चाहिए ना मुल्क बचाने वास्ते कि मीडिया सच्चाई पेश करे सच्चाई होनी चाहिए कि कौम ना हो रहा हमला आप करा के उत्थे GHQ च इको टाइम से तिंदा चौं जगह से हमला आया एक टाइम से वह किन्ने प्लानिंग की प्लानिंग किन्ने एक टाइम से सारे होने आप सपोर्ट किसको करें
भाई सपोर्ट ही पीटीआई को करेंगे, पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, पीटीआई कुत्ता खड़ो ये वोट पाए हरा दे उनके पाना। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोता भी खड़ा हो जाए, कोते को देंगे लोटे। ये थे पीटीआई के सपोर्टर। जो एक और प्रोग्राम था चोरी सर्वर ने बंदा भेजा सी, तो छदे दा जारा बुलाया सी उने, वो आया मैं कहा तेरी कुत्ते वाली करनी है जा दस जा इथों। मैं कहा वो भी हैगा भैं जो डाकू दे लटेरा है, मैं इंदा नाना नहीं साडे ज्ञान इत्थे नहीं उहनूं वोट पैणा। हां जी ये थे पीटीआई के बहुत ही जज्बाती और मतलब के दीवाने सपोर्टर जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अपने मेजबान मोहम्मद उमर अली कादरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए सेगमेंट में नए मुकाम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।